एक आजकल ये हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से जब भी सुबह सोकर उठता हूं एक वीडियो नजर आता है और वो वीडियो सीधे तिहाड़ से आता है, और उस वीडियो में जो जेल मंत्री हमारे दिल्ली सरकार के कभी वो खाना खाते हुए या फिर उनके मालिश करते हुए वो तस्वीरें आती है। आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये वीडियो लीक कौन कर रहा है, क्योंकि जेल तो दिल्ली सरकार के तहत ही आता है। नहीं, जेल दिल्ली सरकार के तहत कहने को आता है, जेल के डीजी जो है वो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, तो जो डीजी अपॉइंट करता है उसी के अंडर में आता है। जैसा आपने कहा, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जेल का वीडियो बाहर लीक हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कौन मालिश कर रहा है उसका बैकग्राउंड, सारी डिटेल्स बाहर लीक हो जाए? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। ऐसे जेल के वीडियो अगर लीक होने लग गए तो फिर तो तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी का क्या होगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको बता दूं मुद्दा क्या है। सतेंद्र जैन साहब बहुत ही कट्टर जैनी परिवार से आते हैं और जैन धर्म के सारे असूलों का पालन करते हैं। उन्होंने जिंदगी में कसम खाई हुई है कि जब तक सवेरे में मंदिर नहीं जाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, शाम को सूरज गिरने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो खाना नहीं खाते। जब से वो जेल में गए हैं तब से वो मंदिर नहीं जा सकते, तो मंदिर नहीं जाते तो वो खाना नहीं खाते। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, पिछले 6 महीने से जब से वो जेल में है उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, वो केवल थोड़े से फ्रूट्स और सैलेड के ऊपर जिंदा है। तो अगर वो फ्रूट्स और सैलेड, अगर उनका जैन धर्म कहता है कि अगर उन्होंने ये कसम खाई हुई है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगा नॉर्मल खाना नहीं खाऊंगा, तो उसकी सेंटिमेंट को तो रेस्पेक्ट, एक मिनट, रेस्पेक्ट करना जेल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। उस पर बार बार दबाव डाला जा रहा है जेल अथॉरिटीज के द्वारा कि आप अपना ये व्रत तोड़ दीजिए। आज शायद कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा जेल अथॉरिटीज ने कि हम इनको इतनी बार कह चुके हैं कि आप नॉर्मल खाना खाइए, वो नॉर्मल खाना नहीं खाना चाहते, वो अपना इस व्रत को पालन करना चाहते हैं। या तो उनको डेली मंदिर ले जाओ, और अगर मंदिर नहीं ले जा सकते तो आप उनको वो दे दीजिए। रिलीजियस, किसी की भी रिलीजियस भावनाओं को रेस्पेक्ट करना, ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि वो किया जाएगा, तो आप उसको क्यों जबरदस्ती उसका व्रत तोड़ने के लिए कह रहे हैं? वो इतना ही कह रहे हैं कि मेरे को डेली फ्रूट्स और वो उसके ऊपर मैं रहना चाहता हूं।